पहाड़ी मुंडा, फिर चल पड़ा। कहाँ हम शहरों में गर्मी का मज़ा ले रहे हैं, गांव आओ और मज़ा लो ज़रा थोड़ी बहुत ठंडी का, बरसात का। पहाड़ी रास्तों का तो अपना ही अलग मज़ा है यार, दिल बाग बाग हो जाता है यहाँ आते ही साथ। कहाँ हम शहरों में गर्मी का मज़ा ले रहे हैं, गांव आओ और मज़ा लो ज़रा थोड़ी बहुत ठंडी का, बरसात का। क्यों दोस्तों, क्या बोल रहे हो, मौका मिल रहा है तो चले जाओ भाई गाँव। लॉकडाउन है अभी, ना अभी काम है शुरू हो रखा है, ना कॉलेज स्टार्ट हो रखे हैं, ना ही स्कूल्स हैं। क्यों, क्या बोलते हो, मैं तो आ गया दोबारा वापस। ओके, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये है सब हाईवे 9। लुक, क्या बरसात का मौसम हो रखा है ना, मस्त। हाय हाय, हमारे पहाड़, पहाड़ी मुंडा, फिर चल पड़ा। मुझे ना रोडों के नाम, मतलब नाम नहीं, उनके जो रहता है ना, जैसे सब हाईवे 9, NH 74, जो भी है इस तरह से नेशनल हाईवे, इन सब को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ज्योग्राफी में था या किस में था, 10th 11th में, तो नेशनल हाईवे सबसे बड़ा, नेशनल हाईवे 1 सबसे छोटा, नेशनल हाईवे कौन सा है, इन सब को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। और जो रोडों में सिंबल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की बात नहीं कर रहा मैं, साइन बोर्ड की बात नहीं कर रहा, जो रोड पे होते हैं, जो हम लाइन्स देखते हैं ना रोड पे, उनका भी अपना अपना अलग अलग मतलब होता है। किसी दिन मौका मिलेगा तो वीडियो बनाऊँगा आप सबके लिए। अच्छा है, अच्छा रहता है यार, मुझे वो सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। माइलस्टोन्स में कलर क्यों रहते हैं, अधिकतर लोगों को पता होगा ये सब, और अधिकतर को नहीं भी पता होगा। जैसे ये रोड है, इस रोड में बीच में कोई, जैसे आप अपने मार्केट साइड में देखोगे, शहरों में देखोगे, कुछ लाइंस रहती हैं ना ये हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, यहाँ नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि एक तो सब हाईवे है और ये सिंगल लेन वाला है, तो इसलिए यहाँ पर वो डॉट डॉट लाइन बीच में इसे पार्टीशन नहीं कर रहा। यार तो मैं आपको अपने गांव का पूरा व्यू दिखाऊंगा यार, उस दिन तो आधे तक ही रह गया था गेट तक, बट आज पूरा दिखाऊंगा। लुक, क्या नज़ारा यार, जैसे हम गांव पहुंचने वाले हैं, जैसे ही गांव में पहुंचेंगे वैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी। आई नो, पहाड़ी रास्तों का एंजॉय करो दोस्तों। और आप में से जितने भी लोग पहाड़ी लोग देखोगे इसको, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूरी कर देना, कमेंट भी कर देना, साथ में ये भी कि आप कहाँ के पहाड़ी हो, पौड़ी वाले पहाड़ी, रुद्रप्रयाग वाले पहाड़ी, देवप्रयाग वाले, टिहरी वाले, कुमाऊनी वाले भी पहाड़ी होते हैं यार, ऐसा नहीं है। कहाँ के कुमाऊँ, कौन से कुमाऊँ के,
सी चीड़ के पेड़ों के बीच से ये रास्ता कितना प्यारा लगता है ना। अधिकतर पहाड़ी लोगों को पता होगा चीड़ के पेड़ क्या होते हैं। यस यस पहाड़ी रास्तों का तो अपना ही अलग मजा है यार। दिल बाग बाग हो जाता है यहाँ आते ही साथ सी। इसमें हम फिसलन पट्टी खेलते थे, अब थोड़ा सा भीगे हुए हैं अभी तो ये, पर जब सूखे रहते थे ना तो ये फिसलने के लिए बहुत प्यारे होते थे। हमने बचपन के टाइम पे बहुत इन्जॉय कर रखा है इसमें। आई होप आप सबने भी करा होगा इनके साथ मस्ती, फिसलन पट्टी खेली होगी, ऊपर से आ जाते रिगड़ते 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 मतलब फिसलते फिसलते।